बाप रे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं कुछ इस वाला लोकेशन पर, और आप लोग पीछे देख ही सकते हो, अभी सनसेट का टाइम है, मतलब शाम के टाइम है। सो अभी इस टाइम पे हम लोग करने वाले बहुत दिनों के बाद एक छोटा मोटा सा सनराइड, और सनराइड पे आज होने वाला है फुल टो तवाई। तो गाइस वीडियो पर बने रहना। गाइस निकलते निकलते एक चीज नोटिस किया आप लोग, देखो पूरा ब्रिज जो है मतलब गड्ढा गड्ढा हो चुका है। पता नहीं किस वजह से हुआ ये और कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं है गाइस। अगर कोई किसी को पता है कि कैसे हुआ इधर पे, तो जरूर कमेंट करके बताना, तो हम लोगों को भी पता चल जाएगा। जा भाई जा। मोनू बाजार का स्कूल तो खाली है अभी। इधर से एक V3 देखने को मिला था, S1000 RR की रैप करके लेकर आ गया भाई। लोग तो आजकल यामाहा को भी BMW बना देते हैं। और ये रोड तो पहले से ही खराब, या या और इधर से रोड खराब। या या क्या रे भाई, इतना रोड खराब हो गया कैसे इधर पे? आके बहुत बड़ा गलती कर देगा इधर पे, इतना गंदा वाला रोड खराब होगा तो सोचा नहीं था। अरे बाप रे, ये क्या है? ओ बाप रे, क्या रे ये? गाइस ऑफ रोड मिल गया यार, गंदा वाला ऑफ रोड है। देखो गाइस कितना गंदा वाला ऑफ रोड है, सो ध्यान से जाना पड़ेगा। बाप रे, कैसे इतना फटाफटी ऑफ रोड होगा सोचा नहीं था। सनराइड पे भाई जो भी बोलो, सनराइड पे मजा तो आ रहा है, क्योंकि ऑफ रोड और सुस्त रोड मिलकर ही होते हैं अच्छा खासा राइड। ऑफ रोड के बिना जीवन अधूरा गाइस। वैसे रील शूट का भी प्लान है, संडे है तो रील शूट भी करेंगे। गली पूरा एकदम हिला के जा रहे भाई, कहाँ कहाँ से निकलना पड़ता है। गाइस इधर से अचानक से प्लान हुआ कि हम लोग एक बहुत ही अच्छा वाला लोकेशन पर जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। सो देर किस बात की, चलो गाइस चलते हैं फटक से। आप लोग बस वीडियो में बन रहे हो बिना स्किप के, और आजकल गाइस धासु कंटेंट डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा बहुत प्यार एंड सपोर्ट दिखाना। एंड आप लोगों को पता है हम लोगों का इधर पे फ्यूल नहीं मिल रहा आजकल नॉर्मल वाला, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत नुकसान तो होते है, पर क्या ही बोलूंगा क्या ही करूंगा, आप लोगों के लिए जान भी हाजिर है गाइस, तो थोड़ा बहुत प्यार एंड सपोर्ट दिखाना बस वही चाहे। गाइस गंदा वाला रोड है ऑफ रोड, पर कुछ पाने के लिए गाइस कुछ खोना पड़ता है, और सबर का फल मीठा होता है, इसके वजह से थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत इसके वजह से थोड़ा बहुत ऐसा रोड से जाना पड़ रहा है गाइस। तो कोई बात नहीं, चलते जाकर बस लोकेशन मिल जाना चाहिए। और अच्छा है कि आज बारिश नहीं हुआ, बारिश होता तो और भी गंदा वाला लोकेशन होता आई थिंक। ये बाप रे बाप रे बाप रे, बाइक का हालत फटके चार हो रहा है गाइस। हाँ वो बात एमके भाई ने सच बोला कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता तो फटके चार होता है ही भाई। RS हर रोड के लिए ये मतलब होते है, चलते है भाई। देखो गाइस देखो देखो देखो
खाई से देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं कुछ इस वाला लोकेशन पर। ये क्या है ब्रो, लोकेशन मिल जाना चाहिए बस। गाइस वीडियो को स्किप मत करना, असली मजा अभी शुरू हुआ बस। गाइस देखो फाइनली इस रोड से जा रहे हैं हम लोग। एक टाइम था तब मतलब साइकिल लेके आए थे हम लोग इधर पे। गाइस ये वैसे हिडन प्लेस है एक। कहाँ है रे वो? वो देखो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं। सो गाइस चेक दिस आउट, हम लोग घूमते घूमते आ चुके कुछ इस बार लोकेशन पर। और आप लोग इधर से नज़ारा देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है। और अपना वेनम खड़ा है उधर पे, देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है ना इधर से। So guys, here is the shooting time now. A few moments later. ये क्या कर रहे इधर पे? मछली पकड़ रहे हैं ना? तो गाइस इधर से हम लोग रील वील शूट करके निकल चुके हैं अभी। छोटा मोटा सा सनराइज हो रहा है बट मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है। गाइस हम लोग इधर से निकल रहे हैं और इधर से थोड़ा बहुत रील वील शूट किया। और वैसे रोका था क्योंकि इधर से एक ट्रेन आ रहा था तो इसके बाद एक शॉट लेने के लिए बहुत टाइम रोक कर इधर से क्लिप व्लिप लिया। एंड आज का राइट इतना ही था, छोटा मोटा सा था तो मस्ती भी बहुत ज़्यादा हुआ। और आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो गाइस आज का ब्लॉग को यहाँ पर इन करते, मिलते अगले एक दमदार सा ब्लॉग लेकर। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज का ये खतरनाक सा ब्लॉग आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, इसको करना फॉलो एंड लाइक। सो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।